हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। आज मैं आप लोगों को इमल्शन के टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि इमल्शन का टेस्ट क्या होता है। एक्चुअली ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप का इमल्शन बन रहा है, चाहे ऑयल इन वाटर यानी तेल पानी वाला, या वाटर इन ऑयल यानी पानी को तेल में वाला। तो ये होता है टेस्ट ऑफ इमल्शन। इसमें बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, जिनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कौन सा ऑयल इन वाटर है, कौन सा वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन है। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्ले स्टोर से ऐप बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और इस ऐप में जो भी है आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन, कि इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है। तो देखिए, पहला है डाइल्यूशन टेस्ट। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर दिया है डाइल्यूशन टेस्ट, किसी भी चीज़ का में पानी डाल देना, यानी उसको ज़्यादा से उसका जो कंसनट्रेशन होता है उसको कम कर देना। जैसे मान के चलो आपने शक्कर डाला है ना पानी में, अब क्या हुआ, अब शक्कर का पानी बन गया यानी आपका चाशनी बन गया। फिर अब उस चाशनी में हम क्या करें, एकदम सारा पानी डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, तो वो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो वैसे उस चीज़ प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, जिसमें पानी डाल के हम उसको और थिन कर देते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑल द इमल्शंस आर इजली डाइल्यूटेड। देखो लिखा है ऑल द इमल्शंस आर इजली डाइल्यूटेड विद कंटीन्यूअस फेज ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो जितना भी इमल्शन है ना, कोई भी लिक्विड मीडियम में, जिसको हम कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं, इजिली डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं अपन टेस्ट में, किसका टेस्ट कैसे किया जाएगा। तो समझना, इसमें क्या करना है आपको, दो इमल्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट में आप डालोगे पर्याप्त पानी और दूसरे पार्ट में आप क्या डालोगे, तेल। तो उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा है, डिवाइड द सैंपल इमल्शन इंटू टू पार्ट्स, ठीक है, एंड कलेक्टेड दैम इन अ सुटेबल टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, जो इमल्शन रहेगा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है। वन पार्ट में क्या करना है, सफिशियंट वाटर ऐड करना है। देखो लिखा है ऐड सफिशियंट वाटर, एंड टू द अदर पार्ट ऐड सफिशियंट ऑयल एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। उस क्या करना है, दूसरे पार्ट में सफिशियंट ऑयल यानी जितना पर्याप्त ऑयल है वो आपको डाल देना है, और आपको रिजल्ट देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट क्या आता है, इफ द सैंपल इमल्शन इज इजली डाइल्यूटेड विद वाटर। आप ये ध्यान में रखो, अगर जो आपका इमल्शन है एक टेस्ट ट्यूब वाला, अगर आप देखोगे कि वो इजली पानी के साथ मिल जाता है, तो हमें क्या पता चल रहा है, ये कि ये ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन है, ठीक है, कि पानी में तेल डाला गया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पार्ट कौन सा था, वाटर का था, इसलिए इसमें जब और वाटर डाले तो ईजिली मिल गया। और दूसरे में क्या हो रहा है, देखना दूसरे वाले में आप, कि अगर सेपरेशन ऑफ वाटर एज अ लेयर इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इमल्शन इज वाटर इन ऑयल। अगर वाटर अलग हो जाता है उस इमल्शन में, पानी डालते ही वाटर ऊपर ऊपर दिखता है और नीचे अलग हो जाता है, तो समझ लो कि वो वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन है, ठीक है। इफ़ द सैंपल इमल्शन इज इजली डाइल्यूट विद ऑयल इंडिकेट द टाइप ऑफ इमल्शन इज वाटर इन ऑयल और सेपरेशन एज अ थिन लेयर। मैंने भी आपको बताया, अगर आप उसमें पानी डालते हैं और पानी ऊपर ही रह जाता है, पूरी तरीके से नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन है, ये वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन है, ओके। अब आता है अपना डाई टेस्ट। तो इस डाई का मतलब होता है कलर, जो ये जो डाई बोल रहे हैं उसका मतलब होता है कलर, ठीक है। अब कलर से द्वारा टेस्ट करते हैं। तो आप एक बार दिमाग लगाना, आप अगर तेल में कोई कलर डालोगे तो तेल तेल टाइप का हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। अगर पानी में कोई कलर डालोगे तो वो वाटर वाटर टाइप का लगेगा, है ना। तो वही टेस्ट है। अगर हम लोग क्या करना है, इमल्शन को वैसे फिर से दो पार्ट में बांट लेना है। अब उस बांट लेने के बाद क्या करोगे, एक डाई यानी एक कलर में आप डालोगे तेल ऑयल वाला और एक में डालोगे वाटर वाला, ठीक है, जो भी हो। अगर आपका जो क्या बोलते इमल्शन है ऑयल वाटर वाटर टाइप का लगा, तो आप ये समझ जाना ये ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन है। अगर आपका तेल तेल टाइप का लगा तो समझ जाना वाटर इन ऑयल वाला इमल्शन है। वो वाटर सोल्यूबल डाई मेक्स द कलर टू द वाटर फेज एंड ऑयल सोल्यूबल डाई मेक्स कलर टू द ऑयल फेज, ठीक है।
अब अच्छा टेस्ट, ट्राई चुरेट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इमल्शन विथ आइडर वाटर सोल्यूबल डाई लाइक एमेरेंथ और ऑयल सोल्यूबल डाई लाइक स्कारलेट ब्रूड। क्या करना है आपको, सैंपल जो इमल्शन जिसका आपको टेस्ट करना है ना, उसको ट्राई चुरेट करना है आइदर विथ अमारेंथ ये वाला डाई के साथ या तो फिर स्कारलेट ब्रू। ट्राइचुरेट का मतलब होता है आपको उसको अच्छे उसके साथ मिक्स करके पीस लेना है, ठीक है, इमल्शन को कलर के साथ। इन इन बोथ द केसेज ए स्मॉल सैंपल इज माउंटेड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व द रिजल्ट। दोनों केसेस में एक माइक्रोस्कोप लगाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट में हमें ये मालूम, देखिए रिजल्ट में हमें ये मालूम चलेगा कि जो टेस्ट जो आपको ऑयल जो आपको कलर ऑयली ऑयली लगेगा वो ऑयल फेज है, और जो वाटर जैसे लगेगा वो वाटर फेज है। अब आते हैं हम फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है लाइट, कोई भी बैकग्राउंड में अगर लाइट जैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, क्लियर। अब आते हैं हम प्रिंसिपल की तरफ। व्हेन ऑयल गेट्स एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दे गेट फ्लोरोसेंस। इसका मतलब होता है जब भी ऑयल अल्ट्रावायलेट है यूवी रेडिएशन के संपर्क में आता है तो लाइट जैसा ग्लो चमकता है, ठीक है। अब उसका टेस्ट, टेस्ट में क्या लिखा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इमल्शन इज अलाउड टू एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज अलाउड टू एक्सपोज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जर्व द रिजल्ट। इसका मतलब होता है आपका जो इमल्शन का जो स्मॉल क्वांटिटी है ना, उसको यूवी रेडिएशन के संपर्क में लाते हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, उसको ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि फ्लोरोसेंट ड्रॉपलेट्स आर ऑब्जर्व अगेंस्ट कलरलेस बैकग्राउंड इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल वाटर। अगर फ्लोरोसेंट आपको दिखता है, लाइट दिखता है, तो ये समझ जाइए कि आपका जो इमल्शन ऑयल वाटर वाला है, ठीक है। अब आप देखते हैं द इमल्शन ऑफ फ्लोरोसेंट बैकग्राउंड अगेंस्ट कलर ड्रॉपलेट इंडिकेट द टाइप ऑफ इमल्शन वाटर। अगर आपको इमल्शन में कलर नहीं दिखता है तो वाटर ऑयल वाला है। अब आते हैं हम कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में। तो अब देखिए व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर, जब आप कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है ना वाटर के संपर्क में आता है, कलर जब भी आप लोग याद रखिएगा, कोबाल्ट क्लोराइड जब भी वाटर के संपर्क में आता है तो ब्लू से पिंक कलर में बदल जाता है। टेस्ट, फॉर द टेस्ट स्ट्रिप ऑफ वॉचमैन फिल्टर इज इम्प्रेग्नेट विथ कोबाल्ट क्लोराइड। क्या करना है आपको, वॉटमैन फिल्टर का एक, एक क्या बोलते हैं स्ट्रिप होता है, उसको कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 10 मिनट रखना है, फिर ड्राई द फिर उस स्ट्रिप को आपको सुखा देना है। अगर वो ब्लू कलर बन जाता है तो हमें ऑब्जर्वेशन देखना है। इफ़ द ब्लू कोबाल्ट स्ट्रिप टर्न्स कम्प्लीटली पिंक इमल्शन इज ऑयल वाटर। अगर आपका जो कोबाल्ट क्लोराइड है पिंक में बदल जाता है तो ऑयल वाटर है। इफ़ द पिंक स्पॉट्स अगेन ब्लू बैकग्राउंड इमल्शन इज वाटर ऑयल। अगर पिंक स्पॉट दिखता है और पीछे अगर ब्लू बैकग्राउंड है और पिंक स्पॉट दिखता है तो ये होगा आपका वाटर ऑयल इमल्शन। फिर आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ क्रीम। अब देखो अगर क्रीम फॉर्म होता है तो किसमें क्रीम फॉर्म होता है, किस तरीके से क्रीम फॉर्म होता है वो अब वो बताएगा कि ये किस टाइप का इमल्शन है, वाटर ऑयल या ऑयल। टेस्ट सैंपल इमल्शन इज हीटेड इन सुटेबल टेस्ट ट्यूब। इसमें क्या करना है आपको, एक इमल्शन को टेस्ट ट्यूब में हीट करना है 10 मिनट्स के लिए और ऑब्जर्व करना है रिजल्ट को। तो अब देखिए इसका क्या ऑब्जर्वेशन आता है, इफ़ अपवर्ड क्रीमिंग इज फॉर्मिंग इंडिकेट द टाइप ऑफ इमल्शन इज ऑयल वाटर। अगर क्रीम ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये बनेगा ऑयल वाटर, अगर क्रीम इफ डाउनवर्ड क्रीमिंग इज फॉर्म, अगर क्रीम नीचे की तरफ बन रहा है तो वो वाटर एंड ऑयल बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल BSP फार्मेसी में बने रहिए। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप फार्मेसी के में फर्स्ट सेम में है, सेकंड सेम या किसी भी सेमेस्टर के हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वीडियो लेक्चर सब अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।